आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, 9th क्लास, 3rd चैप्टर है राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी। हिटलर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जर्मनी की पॉलिटिक्स का। आप सभी जानते हैं कि हिटलर के राइज होने से क्या राइज हुआ। देखिए, वर्ल्ड लेवल पर बड़े पैमाने पर एक ऑटोक्रेटिक रूलर देखा गया और एक आउटराइट रूल ऑफ डिक्टेटरशिप देखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन एमरजेंसी के प्रोविजन को किस वे में यूटिलाइज किया जा सकता है, ये पूरी दुनिया के सामने आया। आपने ये देखा कि एक पर्सन साइंटिफिक थ्योरीज को किस वे में अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है, लोगों के माइंडसेट को कैसे मैनिपुलेट किया गया और कैसे एक सेग्रीगेशन की पॉलिसी फॉलो की गई। समाज से एक तबके को पूरी तरह से सेग्रीगेट यानी कि अलग थलग कर दिया गया और एक पर्टिकुलर रेस को प्रमोट करके एक अपने ही ढंग का नेशनलिज्म इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। तो अब हम इन सारे फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें जर्मनी को थोड़ा सा स्टडी करना होगा। देखिए, आप सभी जानते हैं 1971 में तक जर्मनी, जो कि छोटी छोटी किंगडम्स के बीच में डिवाइडेड था। किसी ज़माने में फ्रांस के नेपोलियन ने यहाँ पर कई सारी कॉन्फेडरेसीज बना दी थी, 39 कॉन्फेडरेसीज हुआ करती थी। उन सभी को यूनिफाई करने का काम शुरू किया प्रूशियन लीडर, प्रशिया का एक आर्मी जनरल हुआ करता था ऑटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने 1971 में फाइनली जर्मनी को यूनिफाई कर दिया और यहाँ पर मोनार्क का रूल आगे बढ़ता रहा। फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब लगा हुआ था, उसमें जर्मनी का एक्टिव रोल हुआ करता था। जर्मनी ऑस्ट्रिया की सपोर्ट में था और ऑस्ट्रिया और सर्बिया का प्रॉब्लम आप जानते हैं। आर्क ड्यूक फर्दिनांद को मार दिया गया था जगह का नाम साराजेवो में। तो अल्टीमेटली इसके बाद रिटेलिएट किया गया ऑस्ट्रिया की तरफ से सर्बिया के ऊपर। सर्बिया की सपोर्ट में आया रशिया और ऑस्ट्रिया की सपोर्ट में आया जर्मनी। तो दो ग्रुप्स बने यहाँ पर और एक्सिस यानी कि एक्सिस पावर एक तरफ से लड़ते रहे और अलाइड पावर एक तरफ से लड़ते रहे। अलाइड में आप जानते हैं यूके और फ्रांस तो था ही, बाद में इसमें जुड़ गया आकर के अमेरिका 1917 में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक्सिस पावर की तरफ से आप जानते हैं जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, इटली भी था शुरुआत में, ये भी आपस में जुड़ा रहा और कहीं ना कहीं तुर्की भी चल रहा था। तो कुल मिला के अब इसके बाद की सिचुएशन क्या है उसे समझते हैं। देखिए, जर्मनी में क्या हालात बनते हैं। जर्मनी में 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्सेले साइन की, जिसके तहत वर्ल्ड वार वन को एंड किया गया, उसके बाद की सिचुएशन ये थी कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई। ये गवर्नमेंट जहाँ पर बनाई गई वह जगह है वेमार, इसका नाम पड़ता है वेमार रिपब्लिक। और गवर्नमेंट जहाँ पर बैठेगी, मतलब कि जो डिप्टीज हैं जहाँ पर बैठ करके लॉज बनाएंगे, तो वह पार्लियामेंट है और उसका नाम है रेस्टैग। तो रेस्टैग कहा जाता है, ठीक है, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कांग्रेस है, वैसे इनकी रेस्टैग है ना। अलग अलग नाम है ना, किसी की डूमा है, किसी की रेस्टैग है। अब ये सारा प्रोसेस कैसे अचीव हुआ, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, 1914 से 1918 तक जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जर्मनी में खास तरह के कंसेप्ट फॉलो हुए। वॉर को इतना प्रमोट किया गया, वॉर टाइम एक्टिविटीज को काफ़ी प्रमोट किया गया। ये बताया गया कि जो ट्रेंच लाइफ होती है, क्योंकि ट्रेंचेस खोदी गई थी जर्मन फाइटर्स की तरफ से और उनमें लड़ाई की गई थी, तो ये बताया गया कि जो ट्रेंच लाइफ होती है ये एक प्राइड की लाइफ है। अगर आप अपने नेशन से, अपनी कंट्री से प्यार करते हैं तो आपको ये नसीब होती है। दूसरा, अचानक से एक सिचुएशन ये क्रिएट हुई है कि जो सिविलियंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो गए हैं मिलिट्री पर्सन, और मिलिट्री का रुतबा काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि वर्ल्ड वार वन का जिम्मा पूरी तरह से मिलिट्री के बेसिस पर था। तो आप मैस्कुलिन करेक्टर को, युद्ध लड़ने की एक आदत को, ट्रेंचेज में रहने वाली लाइफ को और मिलिट्री को एक बहुत ही प्राइडफुल एक्टिविटी के तौर पर फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ये इन 4 सालों के दौरान चलता रहा और धीरे धीरे मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग होती गई। असल में हकीकत ये नहीं थी, हकीकत ये थी कि जो फौजी है उसकी ज़िंदगी बहुत ही खतरनाक थी, भयावह थी, यानी कि उन्हें अक्सर चूहों के बीच रहना पड़ता था जो चूहे लाशों पर जिंदा थे। कुल मिलाकर के बीमारी थी, भुखमरी थी, स्टारवेशन थी, फूड सप्लाई रुकी हुई थी, बहुत ही फ्रीक्वेंटली इनके रैंक्स भी डीग्रेड कर दिए जाते थे, इन्हें प्रमोट करने की जगह डीमोट कर दिया जाता था और इन्हें उस तरह की कमांड्स फॉलो करनी पड़ती थी जो ये कभी भी करना नहीं चाहते थे। कुल मिलाकर के ये रियलिटी थी
लेकिन इस रियलिटी के अगेंस्ट जो बताया गया उसके तहत लोगों को मोटिवेट किया गया और ये एक तरह का प्रोपागंडा था। तो प्रोपागंडिस्ट एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग हुई इन दिनों में, पहला मिलिट्री सुपीरियर हुई, दूसरा तो ये वर्ल्ड वार का रीज़न है। वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो नतीजा क्या निकलता है, यूरोप पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो यूरोप जो अभी तक वर्ल्ड लेवल पर एक किसी न किसी वे में पैसा देने वाला कॉन्टिनेंट माना जाता है, वह पैसा लेने वाला बना, कर्जाई हो चुका था। ये बहुत ही भयानक सिचुएशन थी यूरोप के लिए। किसी को भी नहीं पता था कि वर्ल्ड वार वन में इतना समय लग जाएगा। सभी को ऐसा लगा कि हम जल्द ही वर्ल्ड वार वन में जाएंगे, अपने बेनिफिट्स डिराइव करेंगे और यहाँ से बाहर निकल आएंगे। इतना लंबा कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो सिचुएशन कैसे आगे मोल्ड होती है, जर्मनी के लिए ट्रीटी ऑफ वर्सैले बहुत ह्यूमिलेटिंग है और मोस्टली विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जर्मनी के साथ जो वर्सैले की संधि की उस समय अलाइड पार्टीज ने, इस वर्सैले की संधि का अंडरकरेंट ही था जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार फाइट की गई है। तो दिस इज द अंडरकरेंट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सैले विच विल लीड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब होता क्या है, सिचुएशन क्या क्रिएट होती है। सबसे पहला क्लॉज आप ये जानते हैं कि जर्मनी को किस वे में ह्यूमिलेट किया गया, उनको डिसआर्मामेंट कर दिया गया बड़े पैमाने पर, तो उनके हथियार जो है वो क्रश कर दिए गए। दूसरा, उनकी मिलिट्री को काफ़ी बड़े पैमाने पर डिग्रेड कर दिया गया, उन्हें कम कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया, काट दिया गया। सेकंड, उन्होंने जितनी भी टेरिटरीज अब तक एक्वायर की थी अपने सराउंडिंग रीजन में वो टेरिटरीज उनसे वापस ले ली गई। चौथा, उनकी जितनी भी कॉलोनीज थी अफ्रीका में या एशिया में वो कॉलोनीज उनसे एक्वायर कर ली गई। पांचवा, उन्हें उनके ऊपर एक क्लॉज लागू किया गया कि यू आर वॉर गिल्टी, आप वॉर के गिल्टी हैं, तो आपके ऊपर ही वॉर का सारा हर्जाना, यानी कि अलाइड कंट्रीज पर जितना भी नुकसान आया है वो सारा आपकी जिम्मेदारी बनता है और आपको पे करना है। और ये बहुत ही हेफ्टी अमाउंट था, इतना ज़्यादा अमाउंट था कि जर्मनी की उस समय इसे पे करने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी। ये सारी चीज़ें जर्मनी के साथ हुई और इन्हीं चीज़ों की वजह से आगे का माहौल बनेगा। अब हम उस माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1990s के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही किंग जो है उसका एबडिकेशन हो जाता है, वो यहाँ से चला जाता है और आपने पढ़ा था वो होलैंड भाग जाता है। कुल मिलाकर के जर्मनी की हार हो जाती है, दोनों इवेंट साथ के साथ ही हो जाते हैं। ऐसे में वो फोर्सेस जिन्हें हम पार्लियामेंट्री फोर्सेस कहते हैं, जो अब तक कहीं ना कहीं लिबरल नेशनलिस्ट जिन्हें भी हम कह सकते हैं, जो ये प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर मोनार्की की पावर को कम किया जाए, जनता का राज होना चाहिए, वो फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हुई और सत्ता इन्होंने संभाली। यहाँ पर इलेक्शंस फाइट किए गए और उस इलेक्शन के दम पर सभी को पार्टिसिपेशन दिया गया, जितने भी एडल्ट थे और वुमेन भी इंक्लूडेड थी। इन इलेक्शंस के बेसिस पर वो जो डिप्यूटीज हैं, जो पार्लियामेंट के मेन मेंबर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर एक तरह का ये रेवोल्यूशन किया है, इन डिप्यूटीज को एक पोजीशन तक पहुँचाया गया और वो पोजीशन वो जगह है रेस्टेक, और इसके तहत आगे अब ये नीतियाँ बनाएंगे। तो जर्मन के लोग अक्सर ये मानते रहे कि ये वेमार रिपब्लिक ही है जिसने उस समय में जर्मनी को हराया है युद्ध में। जर्मनी युद्ध में कभी ना हारता अगर ये लोग कहीं ना कहीं जो रूलर है उसे वीक ना करते, ये लोग एक उस समय पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ना करते। क्योंकि आप ये देख रहे थे वन बाय वन सभी कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को सब्जुगेट करती जा रही थी अलाइड के अधीन, लेकिन जर्मनी 100% कन्फ्रंट किया हुआ था, जर्मनी अपने आप को अधीन नहीं कर रहा था, सरेंडर नहीं कर रहा था। ऐसे में इंटरनल एटमॉस्फेयर ही इतना वीक हो गया था और रेवोल्यूशनरी फोर्सेस आप कह सकते हैं द सो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस इतने को स्ट्रांग हो गए थे कि जो रूलर है उसे वहां से भागना पड़ा, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वर्ल्ड वार की अगर और प्रोलॉन्ग हो जाता है तो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पूरी तरह से देश बर्बाद हो जाएगा, उनका अपना एजेंडा था। तो कुल मिलाकर के वेमार रिपब्लिक जो अभी अभी बना है, सबसे पहले तो उन्हें अपने नेटिव लोगों की हेट्रेड फीलिंग्स बियर करनी पड़ रही हैं। वो खुद अभी एक इन्फेंट स्टेज में है जिसको अभी यही समझ नहीं आ रहा है कि आइडियोलॉजी किस तरह की फॉलो करनी है, कॉम्बिनेशन क्या है। आपके भीतर कुछ सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट कौन से हैं, द सो कॉल्ड रशियन आइडियोलॉजिकल सोशलिस्ट, दैट इज बोल्शेविक सोशलिस्ट। दूसरे, आपके बीच कैथोलिक्स हैं, कैथोलिक्स को किन्होंने, अगर जो वहाँ के लोग हैं और जो हिटलर ने प्रोपोगेट किया कि ये सरकारें किन के रक्षण में बनी है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के रक्षण में, तो ये कैथोलिक्स, वो कैथोलिक्स हैं। और तीसरे कौन है, कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट भी कौन से कम्युनिस्ट हैं, दैट रशियन आइडियोलॉजी वाले कम्युनिस्ट।
इन सारी चीजों को देखते हुए, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो वहां पे रिपब्लिक बना, जनता का उसके साथ उतना लगाव नहीं, दूसरा उसके कमाई के साधन सारे आपने छीन लिए, जितने इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एरिया थे वो आपने ले लिए, तीसरा उसके ऊपर वार इंडेमनिटी इतनी जबरदस्त ठोक रखी है, चौथा उसकी कॉलोनीज भी आपने ले ली है। हर तरफ से आप देख सकते हैं वेमार रिपब्लिक जब बनी तो माहौल क्या होगा, इंटरनल टर्बुलेंस है, लोगों का समर्थन उतना प्राप्त नहीं, एक्सटर्नली इकोनॉमिकली वीक हो रखा है, दूसरा यूरोप पूरा का पूरा वर्ल्ड वार 1 के नेगेटिव इम्पैक्ट से बाहर आना चाहता है, व्यापार वाणिज्य ट्रेड कॉमर्स ऑलरेडी स्टैंड स्टिल चल रहा है, अमेरिका का खुद का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रखा है, ऐसे में आपको हर जाना भी भरना है। ये सारी सिचुएशन एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज करती हैं। लिटरली जर्मनी से उसका 75% आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया और 25% कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ले लिया गया था, तो सोचिए उसका यही मेन बैकबोन हुआ करती थी। अब ऐसे में सिचुएशन यहाँ पर क्या क्रिएट होती है कि 1922-23 के अराउंड लिटरली डिप्रेशन आ जाता है जर्मनी में। ये डिप्रेशन क्या होता है, इस डिप्रेशन को समझिए, इकोनॉमी काफ़ी बड़े पैमाने पर डिटेरिरेट कर जाती है। कैसे, जर्मनी को जो अपना ऋण पे करना था, यानी कि जो डेट पे करना था, जो डेट उसने बहुत सारे एरिया से लिया हुआ था वर्ल्ड वार फाइट करने के लिए, पहला वो, दूसरा जर्मनी के ऊपर जो इंडेमनिटी लगाई गई थी हर जाना, दूसरा ये सब कुछ जर्मनी बड़े पैमाने पर पे कर रहा था गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म में, और इस टाइम तक मोस्टली गोल्ड एंड सिल्वर सारा पे हो चुका था, कुछ भी खुद के पास बचा नहीं था, तो जो प्रीशियस मेटल है वो सारे लूज हो चुके हैं। 1923 का दौर है, ऐसे में जो फ्रांस है उसकी जो शर्तें हैं कि हमें हमारा सारा पैसा वापस आना चाहिए, वो अब वापस नहीं कर पा रहा है जर्मनी, तो फ्रांस इसके बहुत सारे प्रोड्यूसिंग एरियाज के ऊपर कंट्रोल करेगा, तो वो ये कहेगा कि मैं आपके प्रोडक्शन एरियाज पे कंट्रोल करूंगा। इस चीज़ को रिटेलिएट कैसे करता है जर्मनी, जर्मनी ये कहता है कि हम आपके स्टेप को रिटेलिएट करते हैं, हम आपका पैसा ही वापस करेंगे, करेंसी बड़े पैमाने पर छापता है। जब करेंसी इतने बड़े पैमाने पर आप छापना शुरू कर देंगे तो करेंसी का क्या वैल्यू, उसके पीछे बेसिस होना चाहिए ना, आपने 100 रुपया छापा है तो 100 रुपये का पीछे या तो कोई गोल्ड रखी है या कोई सिल्वर रखी है, एसेट्स छाप रखे बिना आप कैसे करेंसी छाप देंगे, करेंसी के पीछे बैकिंग ही नहीं है कोई, तो वो तो फिर एक पेज ही हो गया, पेपर हो गया अकेला, उस पेपर की क्या बुक्कत है। आप करेंसी छापते जा रहे हैं और इस करेंसी के छापने की वजह से क्या हुआ, आपने देखा कि आपके कंट्री में सैलरीज लोगों को पे करनी है, वर्कर्स को और बाकी ग्रुप्स को, तो आपने करेंसी छापी। आपने देखा जो बिजनेसमैन है इनको पैसे की लोन की ज़रूरत है, आपने करेंसी छापी बैंकों में ठूस दी। आपने देखा कि जो मेन मैन्युफैक्चरर है इसे रॉ मटेरियल मंगाना है, आपने करेंसी छापी उसको भर दिया। कुल मिलाकर के आप तो अनहिंडर्ड वे में करेंसी छापते जा रहे हैं, इसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर फ्लो ऑफ करेंसी हो जाएगा मार्केट में, सभी के हाथ में इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो पैसे की क्या वैल्यू रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्यों, क्योंकि सप्लाई उसके इक्विवेलेंट है नहीं, डिमांड इतना ज़्यादा है कि अल्टीमेटली इतने लोग डिमांड जब एक प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो जब भी प्रोडक्ट, ये क्या कोई माइक है, जब भी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वैल्यू करेंसी की डिग्रेड होती है, करेंसी धीमी पड़ने लग जाती है। एक समय ऐसा आया था कि लगभग 1 जर्मन मार्क लेके आप जाते थे तो आपको लगभग 9 करोड़ के अराउंड जर्मन मार्क देने पर $1 मिलता था अमेरिका का, और ये बड़ी सरप्राइजिंग फिगर नहीं है, ये ट्रिलियंस तक चली गई थी कि आप ट्रिलियंस मार्क देंगे तो बदले में आपको $1 मिलेगा, मतलब कुल मिला के वही पेपर की कीमत हो गई, फिर इतना पेपर रद्दी में बिकेगा तो $1 आ जाएगा। अभी अभी RTI लगाई थी किसी ने कि वो जो 500,000 के नोट भारत सरकार ने लिया, RBI ने क्या किया, तो RBI का आगे से जवाब आया कि 500,000 के नोट वेरीफाई कर लिए गए हैं, वेरिफिकेशन मशीनें लगी कि जेनुअन है, उसके बाद हम इन्हीं इन सारे के सारे नोट्स को काट रहे हैं, काटने के बाद हम इन्हें क्या कर रहे हैं, ब्रिकेट यानी कि ईंटें बना रहे हैं, तो उन सबकी ईंटें बनेंगी और फिर ऑक्शन में डाले जाएंगे और बेच दिए जाएंगे, तो कुल मिलाकर के आप उनकी ईंटें बना के बेच के कोई ना कोई पैसा तो वसूलेंगे ही ना। अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा ईंटें कैसे बना देंगे, तो साइंस कहती है कि ये तो मैटर का स्टेट है, किसी भी स्टेट में कन्वर्ट कर दो, मैं तो साइंस का ही छात्र हूँ, है कि नहीं। तो अगर आप बचपन में खिद्दों खेलने के लिए कपड़ों को इकट्ठा करके उसे इतना हार्ड कर सकते हैं, तो वो अपनी मशीनों से उस पेपर को भी काट करके क्रश करके एक ब्रिक तो बना ही सकते हैं, कोई केमिकल यूज़ कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कुल मिलाकर के इसी तरह से इतनी को करेंसी डाउन चली गई कि उसकी वो पेपर की ही वैल्यू एक तरह से $1 फेच कर पा रहे हैं। ऐसे में अब माहौल क्या बनता है जर्मनी का वो समझिए, इतनी बात समझ में आई।
सिचुएशन कुछ ऐसी इस समय में अचीव हो गई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, एग्रीकल्चर और जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल धराशायी हो चुका है। क्यों? जब लोगों के पास इस समय इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो वो कैसे डिमांड क्रिएट करेंगे चीज़ों की, जब उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। जब चीज़ों की डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो हैं उनके दाम तो गिरेंगे ही, और जब उनके दाम गिरेंगे तो किसान का बुरा हाल तो होगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी रो रहा है। जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेस और ट्रेडर क्लासेस हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनका व्यापार बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो रखा है, वो भी रो रहे हैं। क्योंकि जब उस लेवल पर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही और जब उस लेवल पर डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही, तो वो बेचेंगे भी क्या बाज़ारों में ले जा करके, मर्चेंट और ट्रेडिंग क्या करेंगे वो, तो उनका भी बुरा हाल है। कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही वर्ग है जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े बिग मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज हैं उनके अंदर काम करने वाले जो वर्कर ग्रुप्स हैं, वो कुछ ना कुछ लेवल पर अपना गुजारा कर पा रहे हैं बारगेनिंग के थ्रू। वो कहीं ना कहीं सैलरीज, जॉब सिक्योरिटी और ये सब ले पा रहे हैं, लेकिन ऑल इन ऑल सोसाइटी में सभी सेगमेंट्स का बुरा हाल है, क्योंकि करेंसी बम्पर छाप दी गई है और इकोनॉमी में सब्सटेंस है नहीं, फंडामेंटल्स उसके वीक हो चुके हैं, कोई भी चीज़ चल नहीं रही। तो अब होगा क्या? बेरोजगार हो चुके युवा, अब उनके पास एक ही स्कोप बचता है, क्या करेंगे? चोरी, लूट, हत्या, डकैती। आप अक्सर अपने बारे में सुनते रहते हैं ना कि हिमाचल में ये सब क्राइम नहीं है। क्राइम क्यों होगा? बिजली का बिल एकदम माफ़ रहता है वहाँ पे, पानी के बिल माफ़ रहते हैं वहाँ पे, आबादी कम है, जगह ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर लैंड है, और वहाँ पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो एथनिक क्लैशेस भी नहीं, इसलिए वहाँ पर शांति है। तो जब माहौल बना कि ना रोज़गार है, ना किसी तरह से उद्योग धंधे हैं, ना हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर अर्निंग का सोर्स यही बनता है कि आप सोशल पॉल्यूशन क्रिएट करिए, तो सामाजिक प्रदूषण क्रिएट होगा आप, और ये सारी एक्टिविटी होंगी एक तरफ। दूसरा, यूथ जिसको कि अभी जॉब चाहिए थी, वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है। जो अनाज के भंडार हैं, जहाँ पर उन स्टोर हाउसेस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी बग्गियाँ भर के पैसे की ले जाई जा रही हैं, तो एक ब्रेड का पैकेट मिलता है। कुल मिलाकर के ये सारी गतिविधियाँ कर रहा है यूथ जिसको कि अभी जॉब करनी थी, उसके अंदर रिसेंटमेंट है, उपद्रव है, और वो खड़ा है पूरी तरह से बीमार रिपब्लिक से रिसेंटेड होकर के। तीसरा, वो बूढ़े लोग या वो पेंशनर या वो सर्विसमैन लोग जो सेविंग के दम पर चलते हैं, उनकी सेविंग तो पूरी तरह से ड्रेन हो गई, क्योंकि उन्होंने जो पैसा सेव किया था, आज उस पैसे से अगर वो पूरा पैसा भी निकालेंगे तो ब्रेड भी नहीं आएगी। किसी ज़माने में उन्होंने जो पैसा सेव किया था सपना देख करके कि मैं बंगला बनाऊंगा, कुल मिलाकर के उनकी मनी की वैल्यू ड्रेन हो गई, और वो बैठे सोच रहे हैं ये क्या कर लिया हमने, बैंकों में पैसा डाल के हुआ क्या हमारे साथ, इंजॉय ही कर लेते ज़िंदगी में तो कुछ कर ही लेते। तो कुल मिलाकर के वो वर्ग भी दुखी है। एक वर्ग ऐसा है जिसके हालात कुछ इतने ख़राब हैं कि वो सड़कों पर खड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने तक पोल लगा करके एक रस्सी बांधी जाती है, सोने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, करने के लिए नौकरी नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है। ऐसे में वो उस रस्सी पर बंधी हुई पर दो हाथ और गर्दन टांग के रात को सोता है, क्योंकि सोने के लिए जगह ही नहीं है, हाउसेज ही नहीं है, शेल्टर नहीं है, जॉब्स नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं। और जर्मनी की ये इमेजेस वर्ल्ड फेमस हुई थी कि लोग रात को इस तरह से सोते हैं, और लोग प्लेकार्ड पकड़ करके बैठे हैं कि कुछ भी करेंगे, काम दीजिए प्लीज, हम कुछ भी करेंगे, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन डू एनी थिंग, प्लीज़ गिव मी वर्क। तो ये सारी इमेजेस उन दिनों में बहुत प्रचलित हुई, लोग कटोरा पकड़ के आपको दिखाए जाएंगे कि कटोरा पकड़ के वो रोजगार मांग रहे हैं कि प्लीज रोजगार दे दीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा हमारा। एक ऐसा माहौल जर्मनी का बना 1924, 25, 26 के दौरान, ये सब हो रहा था। अमेरिका ने देखा कि यार काफ़ी इनह्यूमन है, इतना भी काम खराब नहीं होना चाहिए, तो अमेरिका ने अग्रीमेंट किया जर्मनी के साथ और उसे लोन देने की बात की, और शर्तों में कुछ तब्दीलियां कर दी कि हम आपको पैसा देते हैं, आप इस सिचुएशन से पहले बाहर आइए, और फिर आप इंडेमनिटी और बाकी चीज़ें आपसे हम रिकवर करेंगे। अब पैसा आ रहा था तो ध्यान रहे ये एक आर्टिफिशियल पंपिंग हुआ है अमाउंट, ये नेचुरल क्रिएशन नहीं है इकोनॉमी का, इसे हम एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कह सकते ना, ये तो डेट, आर्टिफिशियल डेट हो गया, और वो भी शॉर्ट टर्म है। उसके बेसिस पर फिर से इंडस्ट्री को पैसा आ गया, इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू कर दी, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, गवर्नमेंट ने सैलरी देना शुरू कर दी, कहीं ना कहीं इकोनॉमी थोड़ी बहुत चल निकली सस्टेनेबिलिटी टाइप। लेकिन 1926 के बाद अमेरिका में हालात बदलने शुरू हो गए। 1929 का साल है, अचानक से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज अब अमेरिका को भी फेस हो गए हैं, और धीरे धीरे उसके लोगों ने जब लोन वापस करने बंद कर दिए, जब पैसा बैंकों में वापस आना शुरू हो गया,
धीरे धीरे जब शेयर बाजार गिरना शुरू हुआ, लोगों में स्पेकुलेशन हो गया कि अर्थव्यवस्था बर्बाद होने वाली है अमेरिका की, उन्होंने एक दिन के अंदर सारे शेयर बेच डाले। शेयर मार्केट, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वहाँ की, वो धड़ाम हो गई पूरी तरह से, और पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई। तो 1929 से 30 का पीरियड, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ अमेरिका। अब जब अमेरिका में ये हालात हुए, तो क्या अमेरिका पे कर सकता है भाई पैसा? अब अमेरिका ने भी बोल दिया जर्मनी को कि भाई मेरे हाथ जुड़े हैं, तुझे जो करना है तू कर ले। जर्मनी के हालात फिर से वही, 1929-30 का पीरियड है, फिर से बम्पर बेरोजगारी, बम्पर उपद्रव लोगों के बीच में, प्राइजेस कॉमोडिटीज के बहुत बड़े पैमाने पर ऊपर जा रहे हैं जिनके नहीं जाने चाहिए, फसलों के प्राइजेस नीचे गिरे हुए हैं, शेल्टर नहीं है लोगों के पास, एजुकेशन नहीं है। कुल मिला के वेमार रिपब्लिक शुरुआत से इस समय तक एक फेलियर रहा। एक्सपेरिमेंट उतना कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि माहौल ही नहीं बना, वो स्टेबिलिटी अचीव नहीं हुई। इसमें वेमार रिपब्लिक की भी कुछ त्रुटियां थी, वो क्या थी? अब आप जब बने हैं तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, आप उसे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसमें कुछ प्रोविजन देखिए, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था इलेक्शन में। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन्होंने फॉलो किया, आंकड़ा कुछ ऐसा बनता था कि कभी किसी पार्टी को मेजोरिटी मिलती नहीं थी, पार्टी हमेशा कोलिशन की बनती थी, और कॉलिशन की सरकार जब बनती थी तो उसमें हर पार्टी अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देखती थी और दूसरी पार्टी को प्रेशराइज करती थी कि हम समर्थन खींच लेंगे अगर ये काम नहीं होगा। इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल्स पे काम ही नहीं कर पाई, वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर इवेंट मैनेजमेंट ही करती रह गई कि ये इवेंट क्रिएट हुआ चलो इसे मैनेज कर लो, वो इवेंट क्रिएट हुआ चलो इसे मैनेज कर लो। इन सारे प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट जो है उसे जो वो स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी करनी चाहिए थी इकॉनमी को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए, वो करने का स्कोप नहीं मिला। तो एक कारण यह है कि कॉलिशन पॉलिटिक्स ने बर्बाद किया वेमार रिपब्लिक को। दूसरा, आर्टिकल ऐसे ऐसे डाले हुए थे, तो जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल हुआ करता था, आई गेस आर्टिकल 48, जिसके तहत अब वहाँ पर एक बात याद रखना कि एक संस्था है जिसे हम कहते हैं फॉरर, FUHRER, द वन हु इज लीडर, द फॉरर, द मोनार्क या द प्रेजिडेंट, यू कैन से एनीथिंग। अब जो प्रेजिडेंट है वो एक तरह से इस रिपब्लिक से अलग है, वो बॉडी इससे अलग है, और कुल मिलाकर के जब भी हालात बिगड़ते हैं वो इमरजेंसी लगा देता है क्योंकि इमरजेंसी की ताकत मिली है। और याद रखना कि भारतीय संविधान ने इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिया है? जर्मनी। जैसे फंडामेंटल राइट अमेरिका से, ड्यूटी रशिया से, जर्मनी से इमरजेंसी, और इसी तरह से आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। बस ये बातें याद रखनी है, ठीक है? आने वाले दिन में जब पॉलिटी करेंगे तो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वो जब उसे लगता है कि टर्बुलेंस है वो इमरजेंसी लागू कर देते हैं, और इमरजेंसी के हालातों में फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, एजिटेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सारी की सारी एनक्रोच हो जाती हैं। ये सिस्टम पॉलिटिकली चलता रहा, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आई नहीं, और हिस्टोरिकल रीजन ये है कि लोगों को लगता था कि युद्ध इन्होंने हराया, लोगों को लगता था कि ये वेमार रिपब्लिक है जिसने ये ह्यूमिलिएशन क्रिएट की जर्मनी के लिए, हम वो हैं जो दुनिया में सबसे समृद्ध थे, हम एक समृद्ध राज्य से आते हैं और हम राज कर रहे थे। कुल मिलाकर के सारी बर्बादी इनके तरफ से हुई है, और ये मिला जुला प्रोपगंडा है आसपास के पड़ोसी मुल्कों का। ये सारा माहौल चल रहा है वेमार रिपब्लिक के विरुद्ध। ऐसे में एक मसीहा आएगा, और उस मसीहा का नाम है एडोल्फ हिटलर। और उस मसीहे की बात अब हम करेंगे, इसका राइज कैसे होता है उसको समझते हैं, ठीक है? इतनी कहानी समझ में आई? 1918 का दौर है, एक इंसान हॉस्पिटल से छूटा है और बाहर आकर के जब देखता है तो समाज में बहुत बड़ा कैओस मचा हुआ है, उपद्रव हर तरफ, क्योंकि वो 1919 का वर्ल्ड, अभी वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, मैं वर्ल्ड कप कप कहने लगा था, वर्ल्ड वॉर खत्म होगी और वर्सैले की ट्रीटी साइन होगी, सभी लोगों के बीच में इसको लेकर के रोष है। ऐसे में इस बालक को ये ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं होती है कि ये हुआ क्या। इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और आज अभी ये जर्मनी में है। इनके करियर की शुरुआत होती है कि एक एज ए मैसेंजर जर्मन की सेना को ज्वाइन करते हैं और बहुत ही बाखूबी अपनी जॉब को ये निभाते हैं। समय रहते ही ये बहुत आगे रेस कर जाते हैं, उस प्रोसीजर को हम थोड़ा सा समझते हैं। ये पर्सन जो 1919 में खड़े हैं, इनको ऐसा लगता है कि जो वर्सैले की ट्रीटी है बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है, और बर्लिन में बैठी हुई वेमार रिपब्लिक की सरकार जो है इनको उनसे प्रॉब्लम है, ये मानते हैं कि ये सरकार हमारे लिए, इस देश के लिए ठीक नहीं। ऐसे में एक एरिया है, एक जगह है म्यूनिक, म्यूनिक नाम की जगह को, या म्यूनिच या म्यूनिक जो आपको सही लगता है,
ये उसे अपना गढ़ बना लेते हैं, और ये जगह है बवारिया। तो बवारिया नाम का एक एरिया है, बवारिया प्लेच्यू में भी है जर्मनी में। बवारिया की एक शुरू से टेंडेंसी रही है, बवारिया हमेशा सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखता आया है, और इसका बिहेवियर सेपरेटिस्ट रहा है। इसको अभी भी बर्दाश्त नहीं है कि जो बर्लिन में वेमार रिपब्लिक की सरकार है। तो अल्टीमेटली म्यूनिक बवारिया इसको अपना गढ़ बनाता है, अडॉप्ट हिटलर। 1918-19 से ही एक जर्मनी में एक पार्टी और एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसका नाम है जर्मन वर्कर पार्टी। हिटलर इस जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन कर जाता है, और थोड़े ही समय में हिटलर इसकी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंच जाता है, और इसका नाम रख दिया जाता है जर्मन नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, और इसका नाम है नाजी। इस पार्टी को अगर आप जर्मन लैंग्वेज में लिखेंगे ना, तो इसका नाम कुछ इस तरह का बनेगा कि उसके जो लेटर है उससे बन जाएगा NAZI, नाजी। तो नाजी पार्टी यही जर्मन वर्कर पार्टी है। अब 1919 से 1923 तक हिटलर बड़े पैमाने पर बावारिया की जो गवर्नमेंट है, जिसके पास अपनी एक मिलिट्री है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उसके पास जो अपनी एक मिलिट्री है, उस मिलिट्री को और उस गवर्नमेंट को अपने साथ मोबालाइज करना चाहता है। बड़े पैमाने पर सोशलिस्ट जो है उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो बोल्शेविक सोशलिस्ट। बड़े पैमाने पर कम्युनिस्टों को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कैथोलिक्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और प्रमोट किसको किया जा रहा है, नेशनल सोशलिज्म को। बोल्शेविक सोशलिज्म नहीं, नेशनल सोशलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। और नेशनल सोशलिज्म में इम्पोर्टेंस किसकी बताई जा रही है, वर्कर। और हिटलर का हमेशा बेसिक फाउंडेशन रहा है कॉमन मन, द वॉक, द फोक। तो वो वॉक की बात करता है हमेशा, तो कॉमन मैन को मोबिलाइज कर रहा है। क्या किया जा रहा है, प्रोपागंडा रचा जा रहा है, यानी कि बड़े पैमाने पर मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, मैसेंजर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शुरुआत में आर्मी ने इसे रखा ही मैसेंजर के तौर पर था, कि आर्मी का जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है ना, उसे ये सेटिस्फाई किया करता था, यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आर्मी के साथ वो पॉलिटिकल तालमेल बनाए रखने का काम हिटलर करता था। इसी वजह से ये जर्मन वर्कर पार्टी में एंटर हुआ, अल्टीमेटली इसने आर्मी छोड़ दी और ये पूरी तरह से समर्पित हो गया पॉलिटिक्स में ही, और फिर आगे बढ़ करके इसने वो पार्टी बनाई मैंने आपको बताया। अब बवारिया की सरकार के साथ मिलकर और बवारिया की जो आर्मी है उसके साथ मिलकर के ये एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि हमें सेंटर से, वो बर्लिन से, वेमार रिपब्लिक को उतार बैठना है, खत्म करना है। अब 1921 से 22, 22 से 23 का टाइम आया। 23 में आपने देखा उपद्रव मचा हुआ देश में, बुरा हाल है, और 23 में डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन दो बार आएगा, एक जर्मन का डिप्रेशन और एक अमेरिका का डिप्रेशन। दोनों डिप्रेशन हिटलर को मंच पे लाके खड़ा करेंगे। जो पहला जर्मन में डिप्रेशन आया, इसमें जो कैओस मचा हुआ है युवा के बीच में, इसने युवा को जोड़ा साथ में। आम लोग जो वर्सैले की ट्रीटी से पहले से ही दुखी हैं, इन्होंने आम लोगों को अपना जोड़ा। इतना भयंकर ऑरेटर था, स्पीच इतनी जबरदस्त दिया करता था, इतनी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी कि लोगों को यह फील करा दिया कि मैं मसीहा हूँ और तुम्हें हर तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ। ये जो डेस्टिट्यूशन की सिचुएशन आ रखी है, इससे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लोगों को ये भयानक सपने आने लग गए थे कि कहीं हम लिटरली भुखमरी में ना मर जाएं, सड़क पे ही ना आ जाएं, और ऐसा हाल ना हो जाए कि जिंदगी जीने के भी लाले पड़ जाएं। ये सारे सपनों को कैपिटलाइज कर लिया हिटलर ने, उनको एक होप दिखा दी और ये कहा कि मेरा साथ दो और इस सरकार को हमें गिराना है। कुल मिलाकर के मूवमेंट क्रिएट करी, 1923 में शुरू हो गए हैं यहाँ से बवारिया से, और बर्लिन की सरकार गिराना चाहते हैं। बर्लिन की सरकार ने जबरदस्त वे में इनको काउंटर किया, सेना का इस्तेमाल किया, और आर्मी के इतने जबरदस्त प्रयोग से इनको कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। इनको जब जेल में डाला गया, तो जेल में डालने के बाद इन्होंने वहां पर मेंट काफ, जो इनकी किताब है मेंट काफ का, इन्होंने पहला अध्याय लिखा, और उस पहले अध्याय में इन्होंने जबरदस्त बातें लिखी जेल के अंदर। तो हिटलर अब जेल जाते हैं, और जेल जाने के बाद ये सब बातें करते हैं। इसके पीछे से बर्लिन की सरकार का अग्रीमेंट हो गया अमेरिका के साथ, बर्लिन की सरकार को फिर से पैसा मिल गया। सरकार ने यूथ को, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर, मर्चेंट क्लास को, सर्विसमैन को, एग्रीकल्चरिस्ट को सेटिस्फाई कर लिया। बावारिया की सरकार को कहीं ना कहीं न्यूट्रल कर दिया, आर्मी को फेवर में ले लिया। और जब हिटलर बाहर आता है 4 से 5 साल के बाद, 1928 की कहानी है, हिटलर के को ना कुछ प्रोपगंडा के लिए मिलता है, हिटलर की जर्मन वर्कर पार्टी को सीज कर दिया जाता है, हिटलर को मीडिया, बवारिया की गवर्नमेंट, आर्मी, किसी का समर्थन नहीं मिलता, और हिटलर का जो बेस है, मास बेस, डिवाइड हो जाता है। हिटलर अब बिल्कुल खत्म हो करके बैठा हुआ है, लेकिन प्रयास जारी है, प्रयास रोकने का कोई कंसेप्ट नहीं है। ऐसे में हिटलर ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करता है और लोगों से जुड़ने का प्रयास करता है, लोगों से बात करता है, उन तक अपनी बातें डायरेक्टली पहुंचाने की कोशिश करता है, और ये सिस्टम चलता रहता है। अचानक से 1928 के बाद 1929-30 के दौरान फिर से डिप्रेशन आता है अमेरिका में, और उस डिप्रेशन की वजह से फ्रांस में अचानक से माहौल बिगड़ता है। और जब फ्रांस
जर्मनी में सॉरी जर्मनी में अचानक से माहौल बिगड़ता है, और जब अब जर्मनी में माहौल बिगड़ेगा तो कुल मिलाकर के इस सिचुएशन को हिटलर छोड़ेगा नहीं। पूरी तरह से फिर से अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से महंगाई, फिर से कमर्शियल एंड ट्रेडिंग क्लास नाराज हैं, और फिर से एग्रीकल्चरिस्ट और सर्विसमैन नाराज हैं। ऐसे में अब हिटलर क्या करेगा? बड़े समय से देश में 1918 और 1919 के टाइम से ही आगे एक कंजर्वेटिव ग्रुप है जो ये चाहता है कि जो जर्मनी की अपनी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो अपने एस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स हैं, हमें कहीं ना कहीं इसे नर्चर करना चाहिए। और इस कंजर्वेटिव ग्रुप का साथ अब 1930s के बाद हिटलर को मिलेगा। दूसरी बात, हिटलर ये कहता है कि ये वेमार रिपब्लिक से सोल्यूशन नहीं होगा। कब तक आप अमेरिका के या किसी और की मदद पर चल सकते हैं? इस तरह से अमेरिका में जो डिप्रेशन आया है, इससे तो पूरा वर्ल्ड प्रभावित रहेगा लंबे समय तक। ऐसे तो हमारा देश जर्मनी ही बर्बाद हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो कंजर्वेटिव ग्रुप है, इस कंजर्वेटिव ग्रुप में व्यापारी वर्ग आता है, बिजनेस कमर्शियल क्लासेस आती हैं, और बिजनेस और कमर्शियल क्लासेस को प्रॉमिस नजर आता है हिटलर की बातों में। तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि बिजनेस और कमर्शियल क्लास का समर्थन मिल जाएगा इसको। इसका समर्थन मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जर्मनी की वो जो हिटलर की नाजी पार्टी है, उसको फाइनेंसेस की ज़रूरत है। फाइनेंसेस उसे इस सेगमेंट से मिल जाएंगे बड़े पैमाने पर। कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी साथ जुड़ जाएगी, और कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी अगर साथ जुड़ जाएगी तो रशिया का सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और वेस्टर्न कैथोलिसिज्म दोनों को वहां से निकाल सकता है। ये एक स्ट्रांग बात थी। और तीसरा, ये कंजर्वेटिव ने लोगों को, जर्मन लोगों को ये रियलाइज करा दिया था अब तक कि आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन इसके पहले जब हम कंजर्वेटिस्ट थे तो हमने कैसे अपने आप को रिवाइव किया था, आप उसे भी याद करिए। लोगों की भी मूवमेंट हिटलर के साथ है, और हिटलर ने पूरा का पूरा रोड मैप दिया कि मैं कैसे आपको इस दरिद्रता के माहौल से बाहर निकालूंगा। यूथ ने वो पढ़ा, सुना, देखा, यूथ हिटलर के साथ जुड़ा। तो 1930 से 1933 के बीच में इसका वहाँ के कंजर्वेटिव जो रूलर है या कंजर्वेटिव जो पार्टियाँ हैं उनके साथ अग्रीमेंट होता है, जिसमें ह्यूगनबर्ग या हिडनबर्ग एक नाम का एक पर्सन है जो राष्ट्रपति भी बनेगा अभी जर्मनी का, उसके साथ इसका अग्रीमेंट हो जाता है। समय आगे बढ़ता है, वेमार रिपब्लिक को कंट्रोल कर लिया जाता है। 1932-33 का टाइम है, लोगों का प्रोटेस्ट होता है बड़े जबरदस्त तरीके से वेमार रिपब्लिक के बाहर। वेमार रिपब्लिक खत्म, गद्दी पर बैठेगी अब कंजर्वेटिव सरकारें, जो हिडनबर्ग है वो बनाए जाएंगे वहां के राष्ट्रपति, और वो इसको हिटलर को बना देंगे चांसलर। चांसलर कौन है? मंत्रियों में सबसे टॉप पोस्ट, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनमें सबसे टॉप पोस्ट है चांसलर। ये चांसलर बन के गद्दी पर बैठेगा। इस तरह से एक मैसेंजर की पोजीशन से 1918 और 1919 के बीच में एक जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन करके, वहां की बवारिया की गवर्नमेंट और मिलिट्री का इस्तेमाल करके, प्रोपोगंडा मूवमेंट के तहत यूथ को, एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चरिस्ट को, इंडस्ट्रियल वर्कर को अपने साथ जोड़ करके 1922-23 में बड़े पैमाने पर नेशनलिस्ट जो नेशनल गवर्नमेंट है, यानी कि जो बर्लिन की सरकार है, उसके खिलाफ मोर्चा करके जेल में चले जाने के बाद, जेल में जाने के बाद बुक लिखना और बुक के विचार लोगों तक पहुँचाना। और एक सबसे बड़ी चीज़ हिटलर को समझ आना, जब जेल में ट्रायल केसेस चलते थे, उन ट्रायल केसेस ने, सारा मीडिया बंद है, समर्थन नहीं कर रहा, ट्रायल केसेस ने हिटलर को फोर फ्रंट में लाके खड़ा किया। ट्रायल केसेस में जब हिटलर का वर्डिक्ट सुना जाता था और हिटलर अपना वर्जन दिया करता था, उसमें इतनी पावर और स्ट्रेंथ हुआ करती थी कि लोगों तब जब वो जाते थे तो लोगों में क्रांति पैदा होती थी। उस दिन हिटलर को ये समझ आ गया था कि कोई भी पावर बेकार है अगर उसके पीछे लीगल बैकिंग ना हो। अल्टीमेटली लीगल सिस्टम अगर आपके साथ है तो फिर सब कुछ आपके हाथ में है। और वो जो सुनवाइयाँ, वो जो हियरिंग्स हुई हैं कोर्ट की, उनका जो वृतांत लोगों के बीच में पहुंचा, उनका विवरण जब लोगों के बीच में पहुंचा, उसने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया। इस वे में लोगों को प्रभावित करते हुए 1928 में बाहर आना, किसी का साथ ना मिलना, अचानक से नेचुरल सर्कमस्टांसेस चेंज होना, अमेरिका में डिप्रेशन आना, कंजर्वेटिव का, बिजनेस मर्चेंट ट्रेडर ग्रुप्स का साथ लेना, यूथ का सपोर्ट में आना, और एक इमेज प्रोजेक्ट करना कि मैं आपको इस हालात से बाहर निकालूंगा, एक रोड मैप प्रोवाइड करना। 1930 से 33 के बीच में टर्बुलेंस क्रिएट होना जर्मनी में, फाइनली गद्दी से उतार देना वेमार रिपब्लिक को कंजर्वेटिव की मदद से, वहां पर सत्ता स्थापित करना, और 1933 के बाद 1933 के टाइम पे चांसलर की पोजीशन तक पहुंचना। ये था सफर जर्मनी में हिटलर का। आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे कि डिक्टेटरशिप कैसे आती है। ठीक है, हिटलर गद्दी पर बैठ जाते हैं और अब होता क्या है? अचानक से एक सिचुएशन चेंज होगी। देखिए, अभी ये चांसलर रेफरर नहीं है, यानी कि द रूलर नहीं है। एक ही 2 महीने के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, आग लग जाएगी रेचस्टैग में, और ये आग लगने के कारण बड़े ही सस्पिशियस थे, लेकिन ऐसा कहा गया कि एक कम्युनिस्ट पर्सन है जिसने ये आग लगाई।
और इस बात को आधार बना करके हिटलर उसी समय वहाँ पर सत्ता से जो चांसलर है सॉरी जो फरर है उसे उतारा जाता है। हिटलर खुद सत्ता अपना लेता है और इस आग का बहाना लेकर के कि जब तक आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एजुटेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड असेंबली प्रोवाइड करते रहेंगे, इस तरह के इवेंट होते रहेंगे, कंट्री को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो कुल मिला के एमरजेंसी लागू कर दी जाएगी। इसमें आग का रोल है सारा, और एमरजेंसी के नाम पर सबको टांग टांग के मारा जाएगा, कम्युनिस्टों को, सोशलिस्टों को खदेड़ा जाएगा। अब शुरू होता है हिटलर का वो दौर जिसमें हिटलर और पूरी तरह से डिक्टेटरशिप लागू करेगा। समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहली बात तो अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हिटलर ये सब बिना पॉपुलैरिटी के कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। हिटलर पॉपुलर था और उसके पास पॉपुलैरिटी भी थी। क्यों? हिटलर ने सबसे पहले इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान शुरू किया। हिटलर के पास पर्सन हुआ करता था स्कैश, ठीक है, पर्सन का नाम है स्कैश। स्कैश की मदद से इसने प्लान बनाया, और प्लान क्या था कि हमें इकोनॉमी को रिवाइव करना है। उसने ये कहा कि हमें 100 फुल प्रोडक्शन क्रिएट करनी होगी और फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी होगी। ये प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट तभी हो सकती है कि अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा पैसा लगा करके प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाए, क्रिएटिव वर्क किया जाए। एक बार ही प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के थ्रू रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन अपने आप ही जनरेट होगी, तो हर एंड पर जो सारा का सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनेगा इसमें